हेलो रुबन, आज हम बात करेंगे MiA1 के एक एडवांस फीचर्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि MiA1 का मोबाइल जो है वो जाना जा रहा है कैमरे के कारण। इसका जो आप कैमरा देखते हैं वो काफी आपको DSLR कैमरा जैसा मिल जाता है, यानी आप जो DSLR कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं उस जैसे फोटो आप इस MiA1 के सेट से ले सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि जब आप पोर्ट्रेट व्यू में इसको लेके जाएंगे तब आपकी फ्लैश लाइट काम नहीं करेगी। जी हाँ, जब आप इसको नॉर्मल व्यू में रखें तब तो आपकी फ्लैश लाइट काम करेगी, यानी कि आप लो लाइट एरिया में अगर जाके पोर्ट्रेट व्यू का यूज करेंगे तो आपके फोटो बहुत ज्यादा डार्क आएंगे और जो काफी ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, आप उसको इनेबल कर या उसको ऑप्शन चालू करने के बाद आप इसके ऑप्शन का यूज कर पाएंगे, यानी आप पोर्ट्रेट व्यू में भी फ्लैश लाइट ऑन कर पाएंगे। पहले मैं आपको करके बताता हूँ दिक्कत क्या आती है। जैसे आपने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये सिंपल है, मैंने यहाँ पे फ्लैश लाइट को ऑन किया और अब मैं जब पिक्चर क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे पिक्चर क्लिक हो जाएगा फ्लैश लाइट के साथ, जैसा कि हम जानते हैं ये तो हो जाता है। अब मैं इसको पोर्ट्रेट व्यू पे लेकर जाता हूँ, ऊपर से मैं क्लिक करता हूँ इस पर पोर्ट्रेट व्यू पे, ये पोर्ट्रेट व्यू पे चला गया। अब आप थोड़ा देख पाएंगे, अगर मैं थोड़ा डार्क में आता हूँ तो ये बताएगा, देखिए नीचे लिखा आ रहा है इट इज टू डार्क नाउ। अब मैं अगर फ्लैश लाइट ऑन करने की कोशिश करूंगा तो ये पोर्ट्रेट व्यू हट जाएगा और नॉर्मल व्यू हो जाएगा, लेकिन मुझे पोर्ट्रेट व्यू पे ही फ्लैश लाइट ऑन करना है जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ऊपर से भी इसको ऑन करता हूँ फ्लैश लाइट को, देखिए आप ये फिर भी काम नहीं कर रहा, ये ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा पोर्ट्रेट व्यू पे, तब आप क्या करेंगे? तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको बस एक जेन्युइन ऐप है उसको इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पर आप जाइए, ऐप्स का नाम है यहाँ पे फिंगरप्रिंट एक्शन प्रो, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। फिंगरप्रिंट एक्शन प्रो एक ऐसी ऐप्स है जो आपके फिंगर्स के हिसाब से कई सारे एक्शन परफॉर्म करती है। ये कुछ परमिशन मांगेगा, ये कोई सिक्योरिटी आपकी इससे चेंजेस नहीं हुई है, सिक्योरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये केवल एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन है, उसको इनेबल करवा रहा है। एक्सेसिबिलिटी इनेबल करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, या आपका कोई डेटा वगैरह कहीं भी ट्रांसफर कुछ भी नहीं आ रहा है सर, क्योंकि ये जेन्युइन ऐप है। इसके बाद यहाँ पे आप, मैं थोड़ा इस ऐप्स के बारे में बता दूँ क्या ऐप है ये फिंगरप्रिंट एक्शन प्रो एक ऐप्स आती है, इसकी मदद से आप अपने स्कैनर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उस पर कई सारे एक्शन को सेट कर सकते हैं। जैसे आप अगर फिंगरप्रिंट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो वो एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी जो भी आपने सेट कर रखी है, अगर आप फिंगरप्रिंट को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो वो एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी, राइट साइड लेके जाएंगे तो वो एप्लीकेशन, डाउन में लेके आने पे वो, डबल स्वाइप अप करने पे क्या एप्लीकेशन ओपन होगी, ये हम यहाँ पे सारे सेटिंग कर सकते हैं। अभी तो हमें सिंपल सी एक सेटिंग ऑन करनी है कि जब भी मैं अपने फिंगर से स्कैनर पर, जब भी मैं फिंगर से अपने स्कैनर को स्वाइप करूँ तो मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाए। तो आप इन चारों में से किसी भी एक को यूज़ कर लेना, मैं स्वाइप अप का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जाने के बाद मैं यहाँ से यूज़ करूँगा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन ढूंढना है ब्राइटनेस फ्लैश लाइट का, देखिए ये लिखा है टॉगल फ्लैश लाइट, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जब भी मैं फिंगर्स को ऊपर की तरफ करूँगा मेरी लाइट ऑन हो जाएगी। इसके बाद आप ऊपर जो लिखा है इनेबल फिंगरप्रिंट एक्शन प्रो, इसको भी आप इनेबल कर देना। ये होने के बाद अब आप अपने कैमरे में जाइए, अब आप जब भी अपने फिंगर को ऊपर करेंगे, चाहे आप नॉर्मल व्यू में हो चाहे पोर्ट्रेट व्यू पे, देखिए लाइट ऑन हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं लाइट ऑन हो चुकी है। मैं अपनी फिंगर्स को वापस से मेरे फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ ऊपर करता हूं तो लाइट ऑफ हो जाएगी, देखिए लाइट ऑफ हो चुकी है, ये लाइट ऑफ है। तो मैं फिर से फिंगरप्रिंट को ऊपर करता हूँ तो देखिए लाइट ऑन हो गई, आप देख पा रहे हैं कि पोर्ट्रेट व्यू में भी लाइट ऑन है। इससे आप क्या होगा, आप डार्कनेस में भी, यानी डार्क एरिया में भी काफ़ी अच्छा देखिए काफ़ी अच्छा फोटो क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए। और आप ऊपर से देखेंगे तो ये ऑप्शन भी काम करना शुरू कर देगा, यानी आप इससे फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और आप फ्लैश लाइट ऑन करके पोर्ट्रेट व्यू में भी लाइट के साथ पिक्चर खींच सकते हैं, जिससे आपको पिक्चर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। जो प्रॉब्लम थी डार्क में फोटो ना आने की, वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।